जब भी मैं खड़ा हो रहा हूँ ये रोल करके पीछे जा रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, आ गया आपका भाई फिर से एक नया वीडियो लेके। जैसे कि कल वाला वीडियो ने आपने देखा था कि कल कितना घना बादल छाया हुआ था फिर भी बादल नहीं होता, अपना लोग कितना बारिश का इंतजार कर रहे थे फिर भी बारिश नहीं होता। तो रात को जब मैंने व्लॉग एंड कर दिया उसके बाद 9:30 बजे रात को भयंकर बारिश हुई यहाँ पे और बहुत तेज हवा चलने लगी। तो दोस्तों, जिस चीज़ का अपन लोग इंतजार करते रहते हैं वो चीज़ कभी टाइम पे नहीं होती है, जब उसका इंतजार करना छोड़ देते हैं वो आ जाती है। तो ऐसा ही रात को हुआ, बारिश का इंतजार कर रहे थे, बारिश नहीं हुई, इंतजार छोड़ दिया, बारिश हो गई। तो फिलहाल सबको गुड मॉर्निंग, और अभी मैं आया हुआ हूँ अम्बेडकर पार्क में वॉक करने के लिए। तो अभी बच गए हैं सुबह के 6:30 और मैं आपको थोड़ा सा पार्क का व्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये सामने जैसे कि आप देख रहे हैं ये पार्क का एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आप लोग एंटर कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस के पास ये पार्क है अम्बेडकर पार्क, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, बैठने के लिए, वॉक करने के लिए। बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आए, आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, झूले भी कुछ कुछ हैं जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। और ये साइड चारों तरफ ये एक जगह बनी हुई है जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं आराम से। तो कोई भी टेंशन नहीं है, बड़े हों, छोटे हों, बुजुर्ग हों, कोई भी यहाँ पे आके आराम से वॉक कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। बैठने के लिए भी अच्छी खासी जगह है, बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पे झूले भी हैं जो कि यहाँ पे खुले जगह पे पड़े हुए हैं, इसलिए बारिश के कारण जंग लगने से थोड़े से पुराने लग रहे हैं, मगर फिर भी वर्क कर रहे हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आएँ, अपना टाइम स्पेंड करें, आप लोग को अच्छा लगेगा। और यहाँ पे इतनी मस्त अभी हवा चल रही है तो मुझे तो रहने का मन यहीं पे कर रहा है, बट क्या करूँ दोस्तों, अपना लोग का जो काम होता है ना वो काम को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। इस पे अगर मैं चढ़ के देख रहा हूँ तो ये रोल कर रहा है, बट है बहुत ख़तरनाक अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसको जब भी मैं खड़ा हो रहा हूँ ये रोल करके पीछे जा रहा है। और जब तक इसको पकड़ के आप लोग नहीं करेंगे तो बहुत रिस्की हो सकता है, आप लोग गिर भी सकते हैं। तो कभी भी करें तो आराम से करें, मुझे तो करने में मज़ा आ रहा है। दोस्तों, ज़रा इसको देखिएगा, ये चीज़ जिम में होती है जो एक्सरसाइज करने के लिए होती है, उसी हिसाब से ये भी है। जब इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये जो सीट है ये भी ऊपर नीचे हो रही है, ये आपके पावर के हिसाब से आपको उठाएगी, जितना आप में पावर होगा ये उतना ही आपको उठाएगी। तो मेरा भी मन हो रहा थोड़ा सा इसको ट्राई करूँ, तो देखता हूँ करके। जैसा कि आपने देखा ये थोड़ा सा एक्सरसाइज टाइप का है, मुझे ये अच्छा लग रहा था, आप लोग भी आएँ, काफ़ी अच्छा लगे आप लोग को। अम्बेडकर पार्क अच्छा है, बैठने के लिए भी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी शांति है। तो फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ घर, लेट हो रहा है, फिर रेडी भी होना है अपने वर्क के लिए, तो मिलता हूँ आपको रेडी होके। डंडे तो ये लो भाई, आप लोग का भाई हो गया है तैयार, टी शर्ट जीन्स पा के, पग बन के, पंजाबी मुंडा हो गया तैयार, चश्मा लगा के। तो भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और इधर बाहर का मौसम बहुत सुहाना हो गया, मैं आप लोग को बाहर का मौसम भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो क्या गजब का बादल आया हुआ है, क्या गजब का, ओ माय गॉड। कल उस तरफ बादल था, आज इस तरफ बादल है, अब देखते हैं पता नहीं बारिश होती है कि नहीं होती है। मेरे को तो बहुत मन कर रहा है कि बारिश हो और बारिश का आनंद लिया जाए। देखो पेड़ कितने अच्छे लहरा रहे हैं हवा से, यार क्या व्यू आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है। ओ देखो ऊपर में आसमान में, ये देखो पक्षी उड़ते हुए जा रहा है, वाओ 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 वाओ। ये देखो पौधे को क्या मस्त हवा से हिल रहे हैं, क्या मस्त हवा से हिल रहे हैं, क्या लग रहे हैं, वाओ। अरे गजब 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 मस्त व्यूज है एकदम भाई लोग, आज का मजा लो जयनगर का, आज की बारिश का। बारिश एकदम मस्त स्टार्ट हो चुकी है, देखिए क्या झमाझम बारिश हो रही है। और बारिश के मौसम में मेरे हाथ में है चाय, अब इस चाय का आनंद उठाते हैं बारिश के मौसम में। भाई लोग अभी हो गया है अपने नाश्ते का टाइम, तो नाश्ता में है आज नमक वाला परोठा और साथ में चाय इलायची वाली। तो जल्दी जल्दी अपने नाश्ते को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपको फटाफट से दोबारा।
और इधर ये देखो दोस्तों, एक पल में धूप, एक पल में बारिश, और ये देखो देखो कितनी सुबह में बारिश हुई है, और अभी देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, कपड़े सूखने को दे रखे हैं, कितना अच्छा मौसम, देखो धूप ही धूप निकली हुई है बाहर में, एक पल में बारिश हो जाती है, एक पल में धूप आ जाती है, पता ही नहीं चलता मौसम का कुछ। इधर ये रूम में मेरे अभी तक बिखरा पड़ा है, क्योंकि आज मैं जाने वाला था देखने के लिए इस ब्लेड के लिए, बट आज सुबह में बारिश हो गई तो मैं कहीं जा नहीं सका, तो कल मंडे है, कल मैं देख लेता हूँ इसको क्या इसका होता है। और इस तरफ मैंने अभी ये अपनी घड़ी को चार्ज में लगा रखा है, 46% बता रहा है ये। कंपनी वाले बोलते हैं कि 7 दिन चलती है बैटरी इसकी, बट ये सब झूठ है, 2 से 2.5 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है। सारे कंपनी वाले का, चाहे किसी कंपनी का भी ब्रांड हो, जो भी बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। रिव्यूज़ दोस्तों चेक किया करो, या जिसने अगर यूज़ कर लिया उससे पूछा करो, ये सब चलती नहीं है 7 दिन। हाँ, अगर छोटी डिस्प्ले वाली हो तो वो चल सकता है 4 से 5 दिन, बट ये 7 दिन नहीं चलने वाली है। तो भाई लोग, ये आ गई अपन की शाम की चाय, और साथ में है क्रैक जैक बिस्किट। फिलहाल मैं अभी शॉप पे हूँ, ये इवनिंग का टाइम है, तो अपन इंजॉय करते हैं इस चाय को। दोस्तों आज तो पौधों में हम लोग ने पानी दिया ही नहीं, क्योंकि आज इतनी अच्छी बारिश हुई थी तो पौधों को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, आज तो भगवान ने खुद पौधों को बारिश पानी दे दिया। और ये देखो दोस्तों, चंद्रमा कितना अच्छा चमक रहा है, और इधर देखो पेड़ को, क्या मस्त हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, बस मन कर रहा है यहीं पे बैठने का। फिलहाल 5-10 मिनट मैं यहाँ पे घूमता हूँ, उसके बाद रूम में जाऊँगा। दोस्तों आप लोग एक चीज़ तो रियलाइज़ करते होगे, अगर आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं और ताज़ी हवा खाते हैं तो आप सारा दिन फ्रेश फील करते हैं। अगर आप जिस दिन लेट उठते हैं आप बॉडी एकदम फील करते होंगे, आपका काम भी कंप्लीट नहीं होता है, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, कुछ काम पेंडिंग में रह जाते हैं। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका काम भी कंप्लीट हो जाता है, आप खुश भी रहते हैं, फ्रेश भी फील करते हैं। तो दोस्तों सुबह उठना ज़रूरी है, ताज़ी हवा खाना ज़रूरी है। तो ये बस छोटा सा ज्ञान आपके भाई की तरफ से, अगर आप लोग को ठीक लगे तो एक्सेप्ट करना, ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं। तो अपन आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।